लेकिन वो सड़कों पर घूम रहे हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। सत्ता पक्ष की हनक चल रही है। हमारे कार्यकर्ता साथी ने जब उनको रोकने का काम किया, वीडियो बनाने की बात करी करने लगा, तो उसको मारा भी उनके साथियों ने है, उसका मोबाइल तोड़ दिया है। लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ में लगातार इस बात को लेकर सवाल उठ रहा है कि बीजेपी के कई विधायक आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी के मोहम्मदी से विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह पर चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाया जा रहा है। गोला विधानसभा का चुनाव चल रहा है, आज आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए मोहम्मदी के विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह जी हजरतपुर पोलिंग बूथ पर गए, उसके बाद सिकंदराबाद पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे, जहां पर वो उनको दरोगा जी बाकायदा सम्मानजनक तरीके से एक एक बूथ पर ले जा करके चेक करा रहे हैं। सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति आचार संहिता के नियम के हिसाब से वो कहीं पर भी किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकता है, लेकिन वो सड़कों पर घूम रहे हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। सत्ता पक्ष की हनक चल रही है। हमारे कार्यकर्ता साथी ने जब उनको रोकने का काम किया, वीडियो बनाने की बात करी करने लगा, तो उसको मारा भी उनके साथियों ने है, उसका मोबाइल तोड़ दिया है। मैंने आयोग को भी शिकायत करी है, ऑब्जर्वर से शिकायत करी है, जिलाधिकारी से शिकायत करी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं है। मेरी मांग है कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष कार्रवाई करे और लोकेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमा लिखे और कार्रवाई करे। इस पर विधायक से फोन करके जब पूछा गया तो उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि वो रास्ते से जा रहे थे, कार्यकर्ताओं ने शिकायत की तो घूमने चले गए। समाजवादी पार्टी लगातार जो सत्ता पक्ष है बीजेपी है उस पर आरोप लगा रही है, कहीं बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाती है। एक वीडियो वायरल होता है जो पलिया के विधायक हैं रोमी सानी, उनकी गाड़ी में गोल्डन कलर के लिफाफे मिलते हैं। उसके बाद अब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जो मोहम्मदी क्षेत्र से बीजेपी के विधायक हैं लोकेंद्र प्रताप सिंह पर आरोप लगाया है समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट के जरिए कि लोकेंद्र प्रताप सिंह एक बूथ पर गए और वहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के उनके साथ उन्होंने कुछ मिसबिहेव किया है, कोई मोबाइल तोड़ने की बात समाजवादी पार्टी कर रही है। हम कोशिश करते हैं इस समय जो लोकेंद्र प्रताप सिंह हैं जो मोहम्मदी के विधायक हैं उनके इस नंबर पर बात करने की। ये नंबर आप देख सकते हैं, ये लोकेंद्र प्रताप सिंह 8299398730। हम कोशिश करते हैं उनसे बात करेंगे अभी कि आखिर हेलो हाँ विधायक जी लोकेंद्र प्रताप सिंह, ये जो एक वीडियो वायरल हो रहा है जो समाजवादी पार्टी आपका वीडियो ट्वीट कर रही है, क्या है पूरा ये वीडियो? काहे का वीडियो है? वो एक वीडियो ट्वीट हो रहा है समाजवादी पार्टी, उसमें चुनाव आयोग से निवेदन कर रही है कि जो मोहम्मदी क्षेत्र से जो बीजेपी के विधायक हैं वो एक बूथ पर जाते हैं, गोला विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव हो रहा है वहाँ पर जाते हैं, कुछ मिसबिहेव करते हैं किसी के साथ। क्या क्या हुआ है आज, कुछ हुआ था क्या? नहीं, कोई मिसबिहेव वाली कोई बातें नहीं हुई। अच्छा, हम तो लखीमपुर से मोहम्मदी आ रहे थे वापस। जी जी, सुबह लखीमपुर गए थे कुछ काम से। जी, वापस आ सिकंदराबाद में करके तो हम था कि यहाँ कोई है कोई कार्यकर्ता कोई व्यक्ति वो वहाँ पे अंदर पड़ा, वो एजेंट भी नहीं, फिर भी बार बार अंदर घुस कर लोगों के साथ बदतमीजी कर रहा है। अच्छा, तो मैं वहाँ उतर, मुझे प्रशासन से शिकायत की, मैंने कहा कोई ऐसा आदमी उसे आप दिखवाओ, वो इतनी बात ही बाकी कह के चले आए। अच्छा, कोई मोबाइल तोड़ने की बात, कोई किसी से हाथापाई करने की भी कोई बात आई है क्या, हुई है क्या? कोई नहीं, मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ। आरोप आप पर लगा है ना? जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई ऐसी बात नहीं हुई, बस इतनी ही बात हुई। मैं वहाँ पर गेट तक गया, मैंने कहा कि भाई प्रशासन, हमने कहा कार्यकर्ता शिकायत कर, आप दिखवा लो क्या बात है, कौन आदमी है, अगर बूथ एजेंट है तो अंदर रहे, नहीं बूथ एजेंट है तो अंदर न रहे। आप अंदर तक गए थे क्या? वही गेट तक। गेट तक, ठीक है ठीक है ठीक। ये थे हमारे साथ फोन पर लोकेंद्र प्रताप सिंह जो मोहम्मदी क्षेत्र से बीजेपी विधायक है, जिन पर आरोप लगा है कि वो एक बूथ के अंदर जाते हैं और जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या लोग हैं जो वीडियो बना रहे थे उनके साथ मारपीट करते हैं, उनका वीडियो तोड़ते हैं। लोकेंद्र प्रताप सिंह साफ तौर पर मना कर रहे हैं, उनका कहना है कि मैं लखीमपुर से, वो खुद लखीमपुर से लोकेंद्र प्रताप सिंह लखीमपुर से मोहम्मदी की ओर जा रहे थे, इसी दौरान एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने उनसे शिकायत की कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं सपा के लोग, इसलिए मैं उतर कर वहाँ तक गया जरूर था और मैंने इसकी शिकायत अधिकारियों को की थी। हमारा इस घटना में कोई रोल नहीं है। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, यूपी तक।